माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त भी होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए न्यू रेसिपी लेके। जी हाँ, न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक का बटन सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप लोग वीडियो में जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनाने का और ज़्यादा मन करता है। बट मैंने कल जो है वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मौसम चेंज हुआ है, ठंड का आ गया है, तो उसी की वजह से थोड़ा सा ही फीवर हो गया था। और मैंने अभी जो है बाल शावर लिए है, तो मैंने बाल को ऐसे लपेट लिया है। हल्के हल्के थोड़े से गीले हैं तो आपको लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं। चलो उससे पहले जो है मैं आप लोग को पूरा वीडियो दिखाती हूँ कि मैं अचार कैसे बनाती हूँ। एकदम टेस्टी टेस्टी, और ठंड के मौसम में अचार खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो चलो बनाते हैं ये टेस्टी सा अचार और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाते हैं अचार। तो आज हम बनाने वाले हरी मिर्च का अचार। ये वाली हरी मिर्च सुबह सुबह पापा लेके आए थे। ये करीब आधा किलो हरी मिर्च है। तो मम्मी ने सुबह ही इनको अच्छे से पानी से वॉश करके धूप में रख दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए, ताकि अचार बनाते समय इसमें पानी बिल्कुल भी ना रह जाए। नहीं तो पानी रहेगा तो अचार हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और किस किसने ये वाला अचार खाया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। यकीन मानिए ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, बच्चे भी खा सकते हैं। तो चलो इनको थोड़ा साइड में रखते हैं और मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो हम लोग अचार में डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच मेथी लिया है मैंने, और यहाँ पे दो चम्मच मैंने सौंफ लिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो है एक चम्मच राई ली है, आपके पास सरसों तो वो भी ले सकते हैं। एक चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 10-12 काली मिर्च ली है, और एक चम्मच जीरा लिया है। ये देखिए, इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद जो है हम इन्हें मिक्सर जार में डाल के दलदला पीसेंगे। आप लोग कौन कौन मसाला डालते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट हरी मिर्च में यही सब मसाले पड़ते हैं, तो इन सबको मैं ये देखिए अच्छे से भून लूँगी। और राई को हम लोग हमेशा बाद ही में डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि राई जो है थोड़ी सी चटकने लगती है। तो इसको राई को हम थोड़ा बाद में डालेंगे, बाकी हम सारे मसाले डाल के अच्छे से भून लेंगे। और जीरा आप लोग ज़रूर डालिए। तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और हमारा मसाला अच्छे से भून गया। अब इसे ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीसेंगे। तब तक जो है हम जो है हरी मिर्च को कट कर लेते हैं। तो चलिए हरी मिर्च को कट करते हैं। इसी बीच मेरा जो है पार्सल आ गया था सिटी मॉल से। तो ये देखिए, तीन मैंने सॉस मंगाई थी, बहुत ही अच्छी मिलती है सिटी मॉल पे। साथ ही में नमक, ये देखिए एक पैकेट मैंने नमक भी ऑर्डर किया था, और कस्तूरी मेथी भी आ गई थी, और ये सुपर वॉश वाला मतलब डिटर्जेंट भी आ गया था, घड़ी आ गई थी और साबुन आ गया था। मतलब कि टोटल मुझे 212 रुपए में पड़ा, बहुत अच्छा है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे मसाले तो भून गए हैं, उन्हें ठंडा होने देते हैं। अब क्या करते हैं, हम हरी मिर्च को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये गोल गोल कट कर रही हूँ, आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट मैं जो है ना इसी तरह गोल गोल कट करती हूँ, क्योंकि इस तरह का अचार खाने में मेरे घर में सबको मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी अचार वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेती रहूँगी, आप सब्सक्राइब करते बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखिए, ये इसकी जो है ना ग्रीन चिल्ली सॉस भी बनता है, वो मैं आपको दिखाती, पर मेरे पास लहसुन नहीं है क्योंकि हमारे तब लहसुन नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा महंगा भी है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखा रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये इसे गोल गोल कट कर दी। आप याद रखिएगा, इसका बीज आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है, बीज में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप को अगर लगे कि हाँ निकालना चाहिए तो निकाल दें। और इसका पीछे का जो डंडी है इसको भी हम निकाल देंगे अच्छे से करके, तो मैं आराम से निकाल लूँगी ताकि हमारा अचार जो है ज़्यादा ना फटे। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको डाल ही देते हैं। तो ये देखिए, सारी हरी मिर्च को मैंने अच्छे से कट कर लिया, उसके पीछे वाला जो हिस्सा डंडी थी उसको भी हटा दिया। बहुत से लोग डालते हैं बट मैं नहीं डाल रही हूँ, तो इसे अच्छे से कट कर लिया। अब चलिए मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच हल्दी ली है, एक चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च लिया है, एक चम्मच जो है अमचूर पाउडर लिया है, कलौंजी ली है आधा चम्मच, काला नमक एक चम्मच आधा चम्मच। सबसे पहले हमने यहाँ पे गर्मा गर्म तेल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, उसे डाल दिया है ताकि हमारा अचार जो है एकदम टेस्टी बने, मसालेदार बने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे पीसी खटाई आमचूर पाउडर जिसे कहते हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे,
मैंने यहाँ पे काला नमक भी ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालना कंपलसरी है, बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो मैंने अजवाइन भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कलौंजी डालेंगे जो मैंने ली थी। उसके बाद यहाँ पे पीसा हुआ लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे। उसके बाद हल्दी डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो मसाला हमने पीस के रखा था अचार के, वो भी यहाँ पे मिला देंगे हम। अचार का मसाला मिलाने के बाद हमने यहाँ पे डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च। मेरी कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा हवा लग गया था तो इस तरह हो गई है। तो इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे कलछुल की सहायता से। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला अचार बनता है, खाने में भी मज़ा आता है। दाल चावल रोटी पराठा, स्पेशली पराठे के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आपको एक बार फिर से मसाला बता दे रही हूँ। मैंने काला नमक, कलौंजी, अजवाइन लिया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने सफ़ेद नमक डाला है स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाला। नमक तेज हो जाए अचार में कोई बात नहीं, जब नमक तेज होता है तो अचार भी सालों साल चलता है। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और आपको बता दूँ यहाँ पे मैंने अजवाइन, कलौंजी, काला नमक, हल्दी, पीसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब लिया था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वाली वीडियो। तो इन सबको हम मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया हमारा अचार। मसाले भी एकदम अच्छे से हो गए हैं। तो इन्हें मैं कम से कम 3-4 दिन धूप दिखाऊँगी, उसके बाद ही हमारा अचार तैयार होगा। फिलहाल अभी तो इस तरह देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो किस किस को ये वाला अचार पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को कैसी वीडियो, कौन सी वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जब आप लोग वीडियो पर कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ एकदम। ये देखिए एक एक जो है हरी मिर्च में कोटिंग अच्छे से हुई है, मसाला अच्छे परफेक्ट पड़ा है। तो आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का जार लिया, इसी में मैं अचार रखूँगी। एक्चुअली मेरे पास कांच का जार नहीं था तो मैंने प्लास्टिक में ही इसको अच्छे से सुखा के रख दिया। तो इनको भरूँगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।